वेलकम टू माई YouTube चैनल राजा सोनी टेक्निकल से। तो गाइज आप कैसे हो, आप के बच्चे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं ऑल एंड्रॉइड के रिलेटेड कि उसके अगर की 3 वर्क नहीं करते हैं तो बिना टच खोले के उसकी टिप्स बताऊंगा कि आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। साथ में अलग अलग टाइम में उसकी टिप्स बताऊंगा कौन सा ऐप है वो। तो गाइज नए जुड़े प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं किसी फोन के रिलेटेड कोई भी टिप्स लेके आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको देख पाएंगे। तो अलग अलग टाइम में उसकी टिप्स बताता रहूँगा मैं आपको इस चैनल पर। तो गाइज हम शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टडी नाउ। पहले मैं अपनी होम स्क्रीन पे आ चुका। तो आज की वीडियो में गाइस आपको बताऊंगा ऑल एंड्रॉइड कोई भी फ़ोन है टच वाला तो उसके जो अगर 3 की फ्रंट वाले वर्क नहीं कर रहे तो उनकी टिप्स बताऊंगा कि कैसे वर्क करेंगे, कैसे नहीं, बिना टच खोले बिना टच कर रिपेयर करें। तो गाइस सिंपली तरीके से आपको बताऊंगा आज 1x1 स्टेप। सबसे पहले अपने कोई भी 3 की हैं, जैसे कि कोई भी 3 की वर्क नहीं कर रहे तो अलग अलग टाइम में उनकी टिप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। आप सिंपली देखते जैसे प्ले स्टोर को ओपन करोगे तो आपने सर्च बार में टाइप कर देना है बैक बटन। जैसे बैक बटन को टाइप कर दोगे तो आप उसको सर्च कर देना, उसके बाद आपके सामने जो न्यू पेज ओपन होगा तो उसके ऑल ऐप बैक बटन वाले ऐप ओपन हो जाएंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है गाइस, आपको 100% वर्क करने वाला ऐप डाउनलोड कर देना है। यहाँ के जो भी ऐप आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई कोई ऐप 100% वर्क करता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जो 100% हर फ़ोन पे वर्क करेगा। तो सिंपली गाइस उस पर क्लिक कर दूंगा मैं। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपने सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर देना है। तो आप जैसे इसको ओपन कर दोगे, ओपन करने के बाद आपने सिंपली सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करके आपने इस परमिशन को अलाउ कर देना, तो आपकी जो बैक बटन है वो 100% वर्क करेगा और ये साइड वाली लाइन से आपको बैक कर देगा। और सिंपली गाइज ये थी ट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और कोई लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक्स गाइज़।